मथुरा की, जहां मथुरा के सनसनीखेज आत्मदाह का मामले में ड्यूटी में लापरवाही के चलते दो पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ड्यूटी में लापरवाही के चलते पुलिस कर्मियों पर 66A के तहत कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि यह सनसनीखेज घटना सुरीर थाना परिसर की है, जहां न्याय ना मिलने के चलते पीड़ित दंपत्ति ने खुद को आग के हवाले कर लिया, जिनका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां दंपत्ति की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घटना 28 अगस्त सुबह करीब 9 बजे की है, जब न्याय ना मिलने से परेशान सुरीर कला का रहने वाला जोगेंद्र अपनी पत्नी चंदवती के साथ सुरीर थाने में मिट्टी का तेल छिड़क कर पहुँच गया, जहां उसने अपनी पत्नी के साथ खुद को आग के हवाले कर दिया। दंपत्ति को आग की लपटों में देखकर थाना परिसर में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस कर्मियों ने दंपत्ति को आग से बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन दंपत्ति आग की चपेट में आकर 60-70% तक झुलस चुके थे। दंपत्ति को गंभीर हालत में मथुरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गंभीर हालत देखते हुए उसे दिल्ली सफदरजंग के लिए रेफर कर दिया गया, जहां दंपत्ति की हालत चिंताजनक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित जोगेंद्र का पड़ोस के ही रहने वाले दबंग सतपाल पिछले दिनों से उसके साथ मारपीट कर रहा था। पूर्व में भी दोनों को पुलिस ने 151 की चलान कर जेल भेज दिया था। दंपत्ति का कहना था कि दबंग सतपाल उन्हें आए दिन परेशान करता रहता है, झगड़ा कर उनको वहां से भगा कर उनके मकान को हड़पना चाहता है। जोगेंद्र के साथ पड़ोस के रहने वाले सतपाल ने फिर से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसकी तहरीर लेकर 23 अगस्त को जोगेंद्र थाने गया था। वहां पर मौजूद उप निरीक्षक सुनील सिंह ने उसका मेडिकल करवा कर उसे वहां से भगा दिया और कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित जोगेंद्र थाना प्रभारी अनूप सरोज से भी मिला, लेकिन अनूप सरोज ने भी पीड़ित फरियाद नहीं सुनी। इससे पूर्व पीड़ित जोगेंद्र चौकी इंचार्ज दीपक नागर ने भी मिला, लेकिन दीपक नागर ने उसे चौकी से फटकार कर भगा दिया। न्याय की उम्मीद लेकर पीड़ित लगातार पुलिस अधिकारियों के पास चक्कर लगा रहा था, लेकिन उसे न्याय की जगह फटकार ही मिल रही थी, जिससे तंग आकर आज वह अपनी पत्नी के साथ जाकर सुरीर थाना परिसर में खुद को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही आईजी ए सतीश गणेश घटनास्थल पर पहुंच गए और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही संबंधित अधिकारियों को पूरे घटनाक्रम पर गहनता से जांच कर सख्त कार्रवाई का आदेश दिया। पूरे घटनाक्रम में एसएसपी ने थाना प्रभारी अनूप सरोज और दो उप निरीक्षक सुनील सिंह और दीपक नागर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया और ड्यूटी में लापरवाही के चलते लापरवाही पुलिस कर्मियों पर 66A कार्रवाई भी की गई। वहीं घायल दंपत्ति के दिल्ली को सफदरजंग में इलाज कर रहा है। दंपत्ति के इलाज का पूरा खर्चा जिला प्रशासन उठाएगा। चंद्रवती और उनके पति जो हैं जोगिंदर, इनका इन्होंने थाने पर आके आत्मदाह का प्रयास किया। ये पहले से ही मिट्टी का तेल अपने ऊपर डाल के लाए थे। थाने पर पहुंच के इन्होंने अपने आप को जलाने का प्रयास किया। थाने पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे, तत्काल उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और उनको मेडिकल के लिए भेजा गया। वर्तमान में दोनों लोगों को हायर मेडिकल सेंटर सफदरजंग दिल्ली रेफर किया, जहाँ इनका इलाज चल रहा है। घटना में जो चीज़ें तथ्य निकल के आए हैं वो ये हैं कि इनका ये कहना है कि 23 तारीख को हमारे द्वारा थाना सुरीर के ऊपर प्रार्थना पत्र दिया गया था। 23 आज की घटना ये बताते हैं, जहाँ पर सत्यपाल नायक के ऊपर आरोप लगाया गया कि सत्यपाल से इनकी पूर्व की झगड़ा थी और सत्यपाल द्वारा इनकी पत्नी के साथ मारपीट इत्यादि चीज की गई। इस संदर्भ में थाना के ऊपर इनका मेडिकल इत्यादि कराया गया, लेकिन इस संदर्भ में FIR नहीं की गई। और FIR ना करने के बाद में इनका कहना है कि पुनः हम लोग थाने पर गए थे, कार्रवाई ना होने के कारण इनके द्वारा ये कदम उठाया गया। इस संदर्भ में जो भी इनका मेडिकल है पूरा राजकीय व्यय पे कराया जा रहा है। जो 3 पुलिसकर्मी अभी तक इसके अंदर प्रथम दृष्टिया अंतरिम रिपोर्ट पे दोषी पाए गए, जिसके अंदर थाना प्रभारी स्वयं अनूप सरोज और दो सब इंस्पेक्टर जो कि वहाँ पे हल्का चौकी इंचार्ज जो थे और जो वहाँ पर इनको जिस दिन थाने पर ये लोग गए हैं 23 तारीख को, वहाँ पर जिन्होंने मेडिकल कराया लेकिन अग्रिम कार्रवाई नहीं की, इन तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरे जो प्रकरण है उसकी विभागीय जांच जो है SP सिटी अशोक मीणा जी को दी गई है। चौथी चीज़, जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके खिलाफ नेगलिजेंस जो है उसकी FIR सुसंगत धाराओं के अंदर अभियोग उसके अंदर पंजीकृत कराया जा रहा है। कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। टीम गठित है जिसके ऊपर आरोप है सत्यपाल, उसको शीघ्र हम लोग गिरफ्तार करेंगे।
जो इनकी तहरीर थी, जो मूल तहरीर थी 23 तारीख के, जिसके ऊपर इनका ये कहना था कि हमारी FIR पंजीकृत नहीं हुई है, उस मूल तहरीर के ऊपर 452, 354, 323, 324 के ऊपर जो है FIR दर्ज की गई है। और इसके अंदर जोगिंदर जो उनके पति हैं उनकी तरफ से FIR दर्ज की गई है, और सत्यपाल नाम का जो अभियुक्त है जिसके पिता का नाम थान सिंह है, सुरीर कला का ही रहने वाला है, उसके खिलाफ ये धारा अभियोग पंजीकृत किया गया। देखिए ऐसा है कि थाना सुग्रीव में आज सवेरे एक दंपत्ति आकर उन्होंने पहले से ही क्रॉसिन अपने ऊपर डाल लिया था और कार्रवाई ना होने के आरोप में उनके द्वारा आत्मदाह किया गया। अभी जो जानकारी हमें अस्पताल से मिली है, हमारे SP सिटी साहब अस्पताल में उन्होंने ये बताया है कि दोनों को बेहतर इलाज के लिए जो है दिल्ली रेफर किया गया है, और ये घटना जिसके कारण उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है दिनांक 23 अगस्त की है। ऐसा बताया जा रहा है कि किसी पड़ोसी जो कि शराबी किस्म का व्यक्ति था, किसी बात को लेकर उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिस पर थाने पे वो आए थे, उन्होंने जानकारी भी दी थी, उनका मेडिकल करा दिया गया था, और मेडिकल में दो सामान्य प्रकार की चोटें महिला के शरीर पर आना अंकित है, और बाकी ये है कि उनका ये मानना था कि पुलिस को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा क्यों नहीं किया गया, इस विषय पे SSP साहब से हमने निर्देशित किया है कि डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो आज शाम तक हमें वो प्रेषित करेंगे। और प्रारंभिक तौर पर जैसा कि SSP साहब ने मुझे अवगत कराया कि एक निरीक्षक जिसके हल्के की यह घटना है उसको उनके द्वारा निलंबित किया गया है। बाकी और भी इसमें लोग अगर दोषी होंगे तो हमारा प्रयास होगा कि सभी दोषियों को चिन्हित करके कार्रवाई करें। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।